किसी भी हाल में इतना सिंगार मत करना, तुम अब के साल मेरा इंतजार मत करना। देखेंगे प्रतिभा जी, हाँ मेरी पूरी बात सुने कि किसी भी हाल में इतना सिंगार मत करना, तुम अब के साल मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि तुम्हारे शहर में एक जुर्म है मोहब्बत भी, खुदा के वास्ते तुम मुझसे प्यार मत करना। हाँ सलीम जी, आपने कहा आपके साल मेरा इंतजार मत करना, तो जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है। अच्छा, जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है, ये आसमान कहीं पे झुका भी करता है। और तू बेवफा है, तेरे एक बुरी खबर भी सुन ले कि मेरा इंतजार कोई दूसरा भी करता है। अच्छा, ये बात है। लेकिन सुने, आप कह रहा हूँ आपके लिए कि ना हम सफर हो कोई साथ तो सफर कैसा, ना हम सफर हो कोई साथ तो सफर कैसा, कसम खुदा की वो रास्ता उदास लगता है, और बिछड़ के कभी तूने मुझसे ये भी सोचा है कि अधूरा चांद भी कितना उदास लगता है। क्या अधूरा चांद है। हाँ सुनेंगे कि सफर में तुम हो मगर हम सफर नहीं कोई। हाँ सफर में तुम हो मगर हम सफर नहीं कोई, शरीके हाल सुकूने नजर नहीं कोई, तुम्हारा साथ हसीनों ने छोड़ रखा है और बनाने वाला निगाहों में घर नहीं कोई। अरे आप साथ रहिए बस, और छोड़ दे सब लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन देखे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा घर कहाँ है। आपका घर तो बेलगछिया है। नहीं नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं समझी आप दीवाने हो गए, अपने घर का एड्रेस भूल गए। नहीं देखिए, जब ये शहर कलकत्ता में पहली दफा आई थी और कलकत्ता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब हम दोनों का प्रोग्राम हुआ था, तो उससे पहले जब इनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो इन्होंने से मैंने बहुत सारी बातें पूछी, तो इन्होंने मुझे किस मुआम्मे में रखा था ये मैं आपको बता रहा हूँ। सुने, मैंने कहा घर कहाँ है, मैंने कहा घर कहाँ है, उसने कहा नीम के नीचे, मैंने कहा नीम कहाँ है, उसने कहा घर के पीछे, मैंने पूछा नाम बताओ, उसने कहा नाम नहीं। ऐसे अरे करो कि हम लोग अपना नाम नहीं बताते। अरे आज तो सभी लोग आपके नाम जान रहे हैं, है ना? पूछ क्यों रहे हैं आप? लेकिन सुने, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैंने पूछा नाम बताओ, उसने कहा नाम नहीं, मैंने कहा प्यार करोगी नहीं, मैंने कहा प्यार करोगी नहीं, मैंने कहा प्यार करोगी नहीं नहीं नहीं। इनकार ने दिल को लूट लिया, इनकार ने दिल को, इनकार ने दिल को लूट लिया, इनकार ने दिल को लूट लिया, इकरार न जाने क्या होगा, इकरार ने दिल को लूट लिया, इकरार ने दिल को लूट लिया, इकरार न जाने क्या होगा, इकरार ने दिल को लूट लिया, इकरार ने दिल को लूट लिया, इकरार न जाने क्या होगा। इनकार ने दिल को लूट लिया, इकरार न जाने क्या होगा, इकरार न जाने क्या होगा, इकरार न जाने क्या होगा, इनकार ने दिल को लूट लिया, इकरार न जाने क्या होगा, जब गुस्सा इतना प्यारा है, जब गुस्सा इतना प्यारा है, ए प्यार न जाने क्या होगा, कहा जब गुस्सा इतना प्यारा है फिर प्यार न जाने क्या होगा। जरूर गुस्से पे ये आलम है। तो अगर प्यार देखिएगा तो सच में आप अपने कपड़े फाड़ के रास्ते पे नजर आइएगा, मजनू हो जाएंगे। हाँ दीवाने हो जाइएगा। सुनेंगे, इनका दिल नहीं पतंगों सा जो मोहब्बत के साथ जलता है, इनका दिल नहीं पतंगों सा जो मोहब्बत के साथ जलता है, आग से कैसे बचेंगे जब फूल छूने से हाथ जलता है, जब फूल से इतना डरते हैं, जब फूल से इतना, जब फूल
फूल से इतना डरते हैं, जब फूल से इतना डरते हैं तो खार न जाने क्या होगा। जब फूल से इतना डरते हैं, जब फूल से इतना डरते हैं, खार न जाने क्या होगा। जब फूल से इतना डरते हैं, जब फूल से इतना डरते हैं, जब फूल से इतना डरते हैं तो हार न जाने क्या होगा। हार न जाने जिस प्यार के ये दीवाने हैं। हाँ जी। और देखे प्रतिभा जी। हाँ जी। हाँ, एक शेर सुने आप, बड़ा प्यारा शेर है। हाँ, देखेंगे। सुनाइए, सुनाइए। वो तान के खंजर बैठे हैं, अब खैर नहीं अपने दिल की। राहत इंदौरी कहते हैं कि कश्तियां मौजों में तूफान में लंगर डूबे, कश्तियां मौजों में तूफान में लंगर डूबे, और हम बचे थे तो पहुंच करके किनारे डूबे, और मैं तो खतरा था नजर इनसे मिलाता कैसे, और ऐसी आंखें के समंदर का समंदर डूबे। सलीम जी, क्या आंखों की तारीफ आपने की। देखिए मोहतरमा परवीन शाकिर, उनका क्या कहना है आंखों के बारे में, कि वो अक्स बनके, वो अक्स बनके मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। और मोहतरमा अंजुम रहबर का क्या कहना है सुनेंगे, कि दिन रात बरसता हुआ बादल नहीं देखा, दिन रात बरसता हुआ बादल नहीं देखा, आंखों की तरह कोई भी पागल नहीं देखा, और तुमने मेरे आंखों के कसीदे तो लिखे हैं, लेकिन मेरा बहता हुआ काजल नहीं देखा। ये तो आप एक तस्वीर दिखा रही हैं अपनी नजर की, लेकिन इस तस्वीर को भी दिखाना चाहिए था। वो क्या है कि नजर की जोलानियां ना पूछो, नजर की जोलानियां ना पूछो, नजर हकीकत में वो नजर है, और उठे तो बिजली पनाह मांगे, और गिरे तो खाना खराब कर दे। इसलिए कह रहा हूँ, वो तान के खंजर बैठे हैं, अब खैर नहीं अपनी दिल के। वो तान के खंजर बैठे हैं, अब खैर नहीं अपनी दिल की। हर बार तो हम बच जाते थे, हर बार तो हम बच जाते थे, और इस बार न जाने क्या होगा। खंजर बैठे हैं, अब खैर नहीं अपने दिल की। हाँ, इस बस में खैर नहीं है। हाँ, सुनेंगे कि तुम्हें जलन है हसीनों की शादमानी से। अच्छा? तुम्हें जलन है हसीनों की शादमानी से, ये आग बुझ नहीं सकती हया के पानी से। अच्छा? और तुम्हें समझ में ना आए तो एक काम करो। अच्छा? कवाल साहब, अपना बुढ़ापा बदल लो मेरी जवानी से। क्या जवानी आपने देख रही है, मैं आपको बुढ़ा नजर आ रहा हूँ ना। लेकिन देखें, ये जवानी की बात पर एक ताकीद कर रहा हूँ आपको, कि हिसाब कुछ नहीं मिलता तुम्हारी चालों का, हिसाब कुछ नहीं मिलता तुम्हारी चालों का, कहाँ लुटाया है सरमाया गोरे गालों का, और जवानी में ना अपने हुस्न का खाता गलत रखो, ए वरना छापा पड़ जाएगा इनकम टैक्स वालों का। और मोहतरम
जनाब मनोवर आना कहते हैं कि अना को मोहनी सूरत बिगाड़ देती है, अना को मोहनी सूरत बिगाड़ देती है, बड़ों बड़ों को जरूरत बिगाड़ देती है, और इसीलिए तो मैं शोहरतों से बच के चलता हूँ कि शरीफ लोगों को ये औरत बिगाड़ देती है। ये बहुत झूठ बात है। आपने कहा शरीफ लोगों को औरत बिगाड़ देती है, आपको कहना चाहिए कि बिगड़े हुए को औरत सुधार देती है। और देखें आपने कहा मनोवर राणा का कहना औरत बिगाड़ देती है, तो देखिए रजा जौनपुरी क्या कहते हैं। सुने कि छोड़ा न तुमने रास्ता कारे सियाह का। अच्छा? छोड़ा न तुमने रास्ता कारे सियाह का, ऐसे में बात हो क्या तुमसे निवाह का, और जन्नत से लेके आए दुनिया में बुराइयां, और इल्जाम हम पे आया तुम्हारे गुनाह का। इसीलिए क्या कहना है, उठता हुआ तूफान देखा तो ये छोड़ के कश्ती भाग चले, पार जब ऐसा आलम है, इस पार जब ऐसा आलम है, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार जब ऐसा आलम है, इस पार जब ऐसा आलम है, पार न जाने क्या होगा। इस पार जब ऐसा आलम है, इस पार जब ऐसा आलम है, देखें एक बड़ा अच्छा मशवरा दे रहा हूँ आपको, प्रतिभा जी सुनेंगी। हम कहते हैं कि करीबा तुझे रंगे गुलाब देता हूँ, कि करीबा तुझे रंगे गुलाब देता हूँ, और तेरी शबाब को मैं हुस्ने शबाब देता हूँ, लकब सलीम का है मैंने अख्तियार किया है, तुझे अनारकली का खिताब देता हूँ। क्या डुप्लीकेट सलीम, और ये हमें अनारकली का खिताब देंगे। हम ओरिजिनल सलीम है, ओरिजिनल सलीम है। सुने सलीम बनने लगा आजकल का ये शहजादा, सलीम बनने लगा आजकल का ये शहजादा, ये बूढ़ा माली किसी को गुलाब क्या देगा, और बना सका न माँ योद्धा भाई को, मुझे अनारकली का खिताब क्या देगा। अरे अनारकली का खिताब मैं इसलिए दे रहा था कि खबर जुदाई की भेजी कहीं ये सस्त नहीं, नहीं नहीं वो मेरा दिल टटोलते होंगे, और तुम्हारा हुस्न तो एहसास को जगाता है, हे तुम्हारे शहर के पत्थर भी बोलते होंगे। इसलिए कहता हूँ क्या, हर मौज बनी है तू पानी, खाती है झकोले कश्ती ये दिल, खाती है झकोले कश्ती ये दिल, खाती है झकोले कश्ती ये दिल, हर मौज बनी है तू पानी, खाती है झकोले कश्ती ये दिल, साहिल पे जब ये, साहिल पे जब ये आलम है, साहिल पे जब ये आलम है, ए भैया मझधार न जानी क्या होगा। साहिल पे जब ये आलम है, साहिल पे जब ये आलम है। सलीम जी शेर सुनेंगे। हाँ कहिए। है शाम से एक उलझन सी, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, देखेंगे कि आंचल ही नहीं जिसमें भी लहराया है, आंचल ही नहीं जिसमें भी लहराया है, आंखों में कयामत का नशा छाया है, और सखी ये माजरा क्या है, कल शाम वो आ रहे हैं उनका पता आया है। इसलिए कहना है कौन आएगा, देखेंगे कि आने वाला लुटाने खुशी आएगा, लूटने लसते जिंदगी आएगा, सोचकर जिस्म में गुदगुदी सी उठे, आंख दरवाजे पर कांपती सी उठे, सुन के आहट कलेजे की धड़कन बढ़े, और जाने किन मुश्किलों से गुजरना पड़े। है शाम से एक उलझन सी, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, है शाम से एक उलझन सी, अल्लाह दिखाए सुबह हमें, दिल आज बहुत ही धड़कता है, दिल आज बहुत ही धड़कता है, सरकार न जाने क्या हो। वो चांदनी सा बदन,
वो चांदनी क्या चांदनी है। आपको देखकर एक बात जहन में आ गई कि चाहने वालों का एक रोजा भी होगा जाया, चाहने वालों का एक रोजा भी होगा जाया, इसलिए हाथ से जन्नत भी निकल जाएगी और तुम चांद के शौक पे छत के चली मत जाना, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। हाँ सलीम जी, आपने कहा तुम चांद के शौक पे छत पे चली मत जाना, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। तो तू मुसलमान है, तू मुसलमान है मगर काम है रिंदो जैसा, और जाने क्या क्या तुझे बोतल में नजर आएगा, और रोजादार हो के क्यों छत पे है निगाहें तेरी, ईद का चांद तो बादल में नजर आएगा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, इसलिए बशीर बद्र कहते हैं कि वो चांदनी सबदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है, और उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, ए तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है, इसलिए कह रहा हूँ क्या कि दिखा दो मेरे दिल का अरमान बन के, 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 मेरी जान ले लो मेरी जान, हाँ सलीम जी आपने कहा मेरी जान ले लो मेरी जान बनके, बहुत जान देने का शौक है आपको, तो सुने तेरा जीना मुहाल कर दूंगी, ऐसा तेरा मैं हाल कर दूंगी, तो हो रहा है मिटा दूंगी मैं तुमको तूफान बन गया, हाँ जी यही कह रही थी ना, हाँ जी। लेकिन देखें मेरा क्या कहना है, ये सुने आप, हम कह रहे हैं ए हंसी हो मेरे घर की रौनक बढ़ा दो, मैंने कहा कि हंसी हो मेरे घर की रौनक बढ़ा दो, और देखें साबित कर रहा हूँ कि कैसे हंसी हैं, और आप हजरात थोड़ी देर के लिए नजर जो है इनकी तरफ कर लें और कान मेरी तरफ, ऐसे भी उधर देखने के लिए कुछ नहीं है, है ना, मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरफ लोग देखें, हैं आप देखेंगे इधर देखेंगे, और साबित कर रहा हूँ कि कैसे हंसी है, जहाँ जहाँ मैं कहूँगा वहीं नजर डालते जाइएगा, अच्छा दिखलाइएगा जरा साहब, है सुने ये नैनों में कजरा ये होंठों पे लाली ये गालों पे सुर्खी रसब ढाने वाली ये जुल्फों में अफसा ये माथे पे टीका हुआ देखे कर चांदी का हुस्न फीका, ये नैनों में कजरा ये होंठों पे लाली ये गालों पे सुर्खी गजब ढाने वाली ये जुल्फों में अफशां ये माथे पे टीका और हुआ देख कर चांद का हुस्न फीका, ये कानों में झूमर ये उंगली में छल्ला ये पलकों के जलवा गरी हाय अल्लाह, ये हाथों में कंगन हथेली पे मेहंदी
ये हाथों में कंगन, हथेली पे मेहंदी, और ये मेहंदी में खूने तमन्ना की सुर्खी, ये पायल की झंकार, ये घुंघरू की छमछम, और मुकम्मल कयामत जवानी का आलम। तो मेरी जान, ए मेरी जान, ए मेरी जान, इसके आगे भी कुछ है। हाँ सुने कि मेरी जान, ये सिंगार किसके लिए है? आपके लिए है बाबा मिट्टू। कि मेरी जान, ये सिंगार किसके लिए है, और ये फूलों सा रुखसार किसके लिए है? कि तेरे हुस्न पे सबका दिल डोलता है, और नजर जिससे लड़ती है ये बोलता है क्या? ए हंसी हो मेरे घर की रौनक बढ़ा दो, हंसी हो मेरे घर की रौनक बढ़ा दो, हंसी हो मेरे घर की रौनक बढ़ा दो, और चले आओ एक रोज मेहमान बन के, रौनक बढ़ा दो, चले आओ एक रोज मेहमान बनके। जी ऐसा भूल के भी काम मत करिएगा। हाँ बुलाने का सुने कहिए कि जहाँ घर का खई हो मुसीबत का मारा, सुनेंगे बहुत देखते हो मोहब्बत के सपने, बुलाते हो क्या सोच के घर पे अपने, कोई माल होगा क्या? बहुत देखते हैं मोहब्बत के सपने, बुलाते हो क्या सोच कर घर पे अपने, पहुंच जाऊं मैं तो बुरा हाल होगा, तुम्हें देने वाला ना कोई माल होगा, तुम्हें ठीक से रोटी मिलती नहीं है, इसी से कली दिल की खिलती नहीं है, और जो अपनों को रखता है भूखा सुलाकर, और भला क्या करेगा मुझे घर बुलाकर। तो जहाँ घर का घई हो मुसीबत का मारा, जहाँ घर का घई हो जहाँ घर का घर हो मुसीबत का मारा, और वहाँ कौन जाएगा मेहमान बनके, वहाँ कौन जाएगा मेहमान बनके, वहाँ कौन जाएगा मेहमान बनके। आप कह रही थी कि वहाँ कौन जाएगा मेहमान बन गया। हाँ जी ये आपका कहना था, लेकिन मेरा कहना क्या है ये देखें। हाँ सुनाइए। एक बुतों की तरह चुप रहे तुम अभी तक, बुतों की तरह चुप रहे तुम अभी तक, क्योंकि मंदिर को जा रही है वो एक तश्तरी लिए, मंदिर को जा रही है वो एक तश्तरी लिए, और तश्तरी में घी के दियों की बहार है, ओ पत्थरों को पूजने वाली हंसी किरण, रास्ते में तेरा एक इबादत गुजार है। हाँ रास्ते में इबादत करते रहिए, दाल नहीं गलने वाली है। आ, लेकिन देखिए हम कह रहे हैं, एक बुतों की तरह चुप रहे तुम अभी तक, बुतों की तरह चुप रहे तुम अभी तक, एक बुतों की तरह, बुतों की तरह चुप रहे तुम अभी तक, तुम्हें मैंने चाहा मुसलमान बन के, मैंने कहा कि तुम्हें मैंने चाहा मुसलमान बनके, क्योंकि काफिर जरूर था मैं इनके इश्क में, काफिर जरूर था मैं इनके इश्क में, मिनटों में क्या से क्या मेरा ईमान हो गया, और इनसे नजर मिली थी 10 बजे मेरी, ये 10:10 में मुसलमान हो गया। हाँ निहाली जी आपने क्या कहा, 10:10 में मुसलमान, 10 मिनट में मुसलमान हो गई, आप मुसलमान हुए इसमें भी मेरा ही एहसान है। अच्छा, सुने कि कुछ मुझसे मुलाकात का एहसान तो हुआ। अच्छा? कुछ मुझसे मुलाकात का एहसान तो हुआ, हासिल निगाहे हुस्न से ईमान तो हुआ, और 10:10 है बड़ी कीमती घड़ी, है शुक्र एक काफिर मुसलमान तो हुआ। अच्छा? और सुने हाँ। कि
भूतों को न पूजो मुसलमान बनेंगे, भूतों को न पूजो मुसलमान बनेंगे, भूतों को न पूजो मुसलमान बनेंगे। हाँ प्रतिभा जी। हाँ जी। हाँ ये शेर सुनेंगी? हाँ जी बोलिए। हाँ बड़ा प्यारा शेर है, सुने। ए सेवा अपने कुछ भी नहीं जानती तुम, सेवा अपने कुछ भी नहीं जानती तुम। मैंने कहा कि सेवा अपने कुछ भी नहीं जानती तुम, क्योंकि मुंह में जब खुशबू भरा पान लिया करती हो। और देखे लफ्ज पान पे एक शेर और याद आ गया है कि पान ले बोसा लबों का, पान ले बोसा लबों का, और मैं तरसा करूं क्या मेरी तकदीर पत्ते के बराबर भी नहीं। जी आपके तकदीर सड़े पत्ते के बराबर है। सुनेंगे कि आरजू के शौक के अरमान के, आरजू के शौक के अरमान के, भाव कितने बढ़ गए सामान के, और इन लबों की कद्र जानेंगे वही जो बहुत शौकीन होंगे पान के। हाँ जी जरूर जरूर। देखेंगे कि मुंह में जब खुशबू भरा पान लिया करती हो, इसलिए कह रहा हूँ कि मुंह में जब खुशबू भरा पान लिया करती हो, चाहने वालों का ईमान लिया करती हो, हुस्न वालों हमें अल्लाह बचाए तुमसे, कुछ नहीं जान के भी जान लिया करती हो। सेवा अपने कुछ भी नहीं जानती तुम, सेवा अपने कुछ भी नहीं जानती तुम, सेवा अपने कुछ भी, सेवा अपने कुछ भी नहीं जानती तुम, मगर जान लेती हो अनजान बनके, मगर जान लेती हो अनजान बनके, मगर जान लेती हो अनजान बनके। आपने कहा मगर जान लेती हूँ अनजान बनके, ये तो बिल्कुल सच कहा मैंने। हाँ तो सुने कि दिल किसी शौक को जब दान दिया करते हो, अच्छा? दिल किसी शौक को जब दान दिया करते हो, अपनी बर्बादी का सामान दिया करते हो, और हुस्न वालों से भला कौन बचाए तुमको, बेवफा जान के भी जान दिया करते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ इसलिए कहना है, सुनेंगे। कहिए। तुम्हें चैन से रहना दुश्वार होगा, तुम्हें चैन से रहना दुश्वार होगा, तुम्हें चैन से रहना दुश्वार होगा, लगाओ न दिल मुझसे अनजान बनेंगे, लगाओ न दिल मुझसे अनजान बनेंगे, लगाओ न दिल मुझसे अनजान बनेंगे। रजा कुछ भी हो जाए हम इस जहाँ में, रजा कुछ भी हो जाए हम इस जहाँ में, रजा कुछ भी हो जाए, रजा कुछ भी हो जाए हम इस जहाँ में, रहेंगे मोहब्बत की पहचान।